दोस्तों, समान ज्ञान का ये तीसरा वीडियो है जो कि 3000 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासन सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? इसका आंसर है पोरस। दूसरा क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? इसका आंसर है मूसा संहिता। तीसरा क्वेश्चन है, महाभाष्य किसने लिखा था? दोस्तों, इसका आंसर है पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन है चौथा, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? इसका आंसर है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? दोस्तों, इसका आंसर है बिंदुसार। छठा क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका आंसर है तक्षशिला में अशांति थी। आठवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? दोस्तों, इसका आंसर है श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है नौ नंबर, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? दोस्तों, इसका आंसर है कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है दसवां नंबर, देवानामृतप्रिय के नाम से कौन विख्यात हैं? इसका आंसर है अशोक। ग्यारहवां नंबर का क्वेश्चन है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? इसका आंसर है शिला राजादेश 13। बारह नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? इसका आंसर है मेगास्थनीज। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी? दोस्तों, इसका आंसर है मेगास्थनीज, यानी इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। यहाँ पे तीन क्वेश्चन एक ही साथ है जिसका सेम आंसर है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इसका आंसर है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? इसका आंसर है उपगुप्त। 16 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका आंसर है तक्षशिला। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर है 261 BC। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इसका आंसर है शिलाओं पर राज्यादेश। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? दोस्तों, इसका आंसर है तक्षशिला। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं?
अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? इसका आंसर है ब्राह्मी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? दोस्तों इसका आंसर है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए उनके जानकारी के लिए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? इसका आंसर है अशोक। 25 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था जिला प्रशासक? 26 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने किया था शासन उसके बाद। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मिली दंपान हो क्या है? मिलिन दंपान हो क्या है? इसका आंसर है बौद्ध पाठ है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका आंसर है कनिष्क। 29 नंबर का क्वेश्चन है, कुणाल काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है गंधार कला। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। दोस्तों इसका आंसर है कनिष्क। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।